रायगढ़ जिला कलेक्टर के आदेशानुसार व नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार मास्क मार्शल टीम तैयार की गई है, जो कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु शहर वासियों को जागरूक करेंगे, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को कलेक्टर परिसर से रायगढ़ विधायक, निगम के महापौर व सभापति के साथ जिले की प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में किया गया। रायगढ़ जिला कलेक्टर के आदेशानुसार एवं नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार मास्क मार्शल टीम तैयार की गई है, जो कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु शहर वासियों को जागरूक करेंगे, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को कलेक्टर परिसर से माननीय विधायक, महापौर, सभापति एवं प्रशासन के द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि 3 जुलाई को कलेक्टर भीम सिंह के आदेशानुसार उनके परिसर से ही मास्क मार्शल अभियान का शुभारंभ माननीय विधायक प्रकाश नायक के मार्गदर्शन से महापौर जानकी कारजू, सभापति जयंत ठेठवार एवं प्रशासन से डिप्टी कलेक्टर कुरुवंशी जी, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, उपायुक्त पंकज मित्तल, एमआईसी सदस्य कमल पटेल, एमआईसी सदस्य विकास ठेठवार, विधायक प्रतिनिधि राजेश भारद्वाज, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे, जिला कांग्रेस से अजय प्रताप सिंह, मनीष देवांगन, समाज सेवी मुकेश कलानोरिया, अमृत काटजू एवं गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में किया गया, जो नगर निगम क्षेत्र के समस्त वार्ड में मास्क मार्शल टीम कोरोना संक्रमण के जागरूकता के लिए कार्य करेगी, जिसमें निगम के मुहर्रिर, एनएसएस एवं नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक संघ अपनी सेवा देंगे, जिनका प्रमुख उद्देश्य होगा बगैर मास्क वाले व्यक्ति को मास्क की उपयोगिता बताना, साथ ही मास्क उपलब्ध कराकर मास्क की उचित राशि मुहर्रिर द्वारा लेकर उसके रसीद भी दिए जाएंगे, जिससे समाज में यह संदेश भी जाएगा कि हमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य है, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ बार बार धोने, आंख मुंह को न छूने जैसे टिप्स भी दिए जाएंगे। कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में मास्क मार्शल टीम के कार्य के लिए नगर निगम आयुक्तों को निर्देशित किया गया है, जो पूरे शहर में इनसे सेवा लेकर समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। अभियान के शुभारंभ होते ही प्रोत्साहन स्वरूप 100 रुपये की रसीद काट कर माननीय अतिथियों द्वारा अभियान को प्रोत्साहन देकर गति प्रदान की गई। आज नगर निगम रायगढ़ की ने पहल पर मास्क मार्शल की एक टीम गठित की गई है, जो लोगों को जागरूक भी करेगी और जो बिना मास्क पहने घूमेंगे उनको एक सुविधा शुल्क के साथ मास्क भी बांटेगी। तो एक अच्छा ये पहल है इस कोरोना के संक्रमण काल में, इस कोरोना के महामारी के बीच में, कि लोग इस कोरोना के महामारी से बचें और मास्क लगाएं। और हम सब देखे भी हैं, यहाँ पर रायगढ़ में उदाहरण मिला है कि एक संक्रमित व्यक्ति हॉस्पिटल में गया था, उसके बाद जो लोग मास्क लगाए थे, जो सावधान थे, उनको कोरोना संक्रमण नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इसके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि आप सभी जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और भीड़ जगहों से जाने से बचें, और जितना कम से कम जरूरत हो उतनी आप घर से बाहर निकलें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और ये मास्क मार्शल जो है वो आपके सहयोग के लिए है, आपके सुरक्षा के लिए है, इनसे आप जागरूक होइए, इनका सहयोग कीजिए। आज नगर निगम के द्वारा सभी वार्डों के लिए मास्क मार्शल का नियुक्त किया गया है। ये मास्क मार्शल से अपने वार्डों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और ये लोगों को शिक्षित करेंगे कि मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना से स्वयं बचेंगे और दूसरों को भी कोरोना से बचाएंगे। कलेक्टर सर का निर्देश था, उनका आइडिया था, पहले एक विचार होता है, फिर वो व्यवहार बनता है और फिर चमत्कार होता है। जाहिर है कि मास्क मार्शल एक जो अभियान है ये एक जुनून की तरह काम करेगा। इस जुनून में हमारे साथ वे सारे लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, एनएसएस के लोग हैं, स्वयं विधायक महोदय ने इनका हौसला अफजाई किया है और इनको रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। और आशा करते हैं, नगर वासियों से अपील है कि इन मास्क मार्शल को ऐसा सहयोग दें कि आने वाले समय में सारे लोगों के जो मास्क नहीं लगाते हैं उनके चेहरे पर मास्क मार्शल वाला जो हमारा वो है वो रहे और एक निशान छोड़ जाएंगे हम मास्क मार्शल के लिए, कि आने वाले समय में जो हमारी 2 लाख 2.5 लाख की आबादी है वो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलें, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और दूसरों को जितने लोगों को भी वो मिलें इस चीज के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए इससे कारगर उपाय कोई और नहीं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।